अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दुनिया में बहुत किस्म की इकॉनमीज़ आई, इंडस्ट्रियल इकॉनमी आई, उससे पहले अगर चले जाए तो बहुत ही ज़्यादा आई, स्टोन एज, ये एज, फलाना एज, ब्रॉन्ज एज, फिर इंडस्ट्रियल एज, फिर इंडस्ट्रियल एज के बाद टेक्नोलॉजी एज, फिर इंफॉर्मेशन एज। और मैं ये समझता हूँ कि ये सोशल नेटवर्क्स के आने के बाद अब हमारे पास एक और किस्म की एज आई है, दैट इज़ द नेटवर्क एज एंड नेटवर्क इकॉनमी। सो पहले पुरानी सेइंग है कि योर नेटवर्क इज़ इक्वल टू योर नेटवर्क, एंड मैं ये समझता हूँ कि अब जो टाइम आया है उसके अंदर सारों मसाइल का हल जो है ये नेटवर्क जो हो रहे हैं, नेटवर्क्स क्रिएट हो रहे हैं, इनके अंदर है। और हम जितना ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करेंगे नेटवर्क्स के साथ, हमारा रास्ता उतना ज़्यादा आसान होता चला जाता है। और ये मैंने पिछले 1 साल के एक्सपेरिमेंट में भी सीखा, बहुत साल से कर रहा हूँ उसमें भी देखा, और जो एक्सपेरिमेंट से मुझे साबित भी हो गया कि व्हाट आई एम सेइंग हैज़ अ लॉट ऑफ वर्थ इन इट। सो जैसे जैसे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं, तो हमारी वर्थ बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारे डेस्टिनेशन, हमारे गोल आसान हो जाते हैं, जो भी हमारे गोल्स हों। तो ये नेटवर्क इकॉनमी है जो कि आ रही है, अगले 10 साल तक ये रहेगी, शायद शायद कम रहे, क्योंकि बीच में कोई भी डिसरप्टर आके इसको ख़राब भी कर सकता है। और दूसरा ये कि क्योंकि अभी तक दुनिया में ज़्यादातर लोग नेटवर्क पे नहीं आए हैं, फेसबुक इंटरनेट के नेटवर्क पे नहीं आए हैं, फेसबुक के नेटवर्क पे नहीं आए हैं, 7 में से बमुश्किल 3.5 बिलियन लोग आए होंगे ऑनलाइन, तो अभी आधी दुनिया बाकी है नेटवर्क पे आने से। तो जैसे ही ये आएगी तो ये हम जैसे जैसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इकॉनमी और इकोनॉमिक्स को ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, इंडिविजुअल के भी और कंट्री के भी। तो जो इकॉनमी जितनी ज़्यादा नेटवर्क है, आप दुबई की एग्जांपल ले लें, सिंगापुर की एग्जांपल ले लें, तो ये दोनों कंट्रीज जो हाइपर कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं, ये एक्सट्रीमली फ़ायदा उठा रही हैं उन नेटवर्क्स का जो कि इन्होंने क्रिएट किए हैं एरोप्लेन्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। अमेरिका को ले लें, बहुत नेटवर्क है, लैंग्वेज आसान है, कनेक्ट करना आसान है, हर चीज़ अवेलेबल करती है। तो नेटवर्क क्रिएट करने की वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सो ये मेरा हाइपोथेसिस है, एंड आई वुड लव योर कमेंट ऑन दिस, यू नो, येस और नो, दोनों में। अस्सलाम वालेकुम।